नमस्कार। जो योग अभ्यास की लाइव वीडियोस हम बना रहे हैं, जिनको देखकर आप लोग अभ्यास कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं, उनको करने से पहले या उनको करते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आपको कोई क्षति ना हो और आप लाभ पूरी तरीके से उसका ले सकें। तो सबसे पहली चीज़, अभ्यास करते समय आपका पेट पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। यदि आपने भरपेट भोजन किया है तो 3 घंटे के बाद आप अभ्यास करें। यदि आप शाम को अभ्यास कर रहे हैं तो दोपहर के खाने से अभ्यास के बीच में 3 घंटे का अंतराल दें। और यदि सुबह आप अभ्यास कर रहे हैं तब तो आपका पेट खाली ही होगा। और यदि आपने कुछ फल खाया है या हल्का भोजन किया है, कुछ नाश्ता किया है, पोहा, दलिया, इस प्रकार से ओट्स, कुछ हल्का खाना खाया है, तो लगभग 1 घंटे का फासला होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, भर पेट आधा पौना लीटर पानी पिया है, 1-3 गिलास पानी पिया है, तो लगभग 25 से 30 मिनट का फासला दें, जिससे आपका पेट थोड़ा हल्का हो जाए। और एक बार शौच होकर आएँ, उसके बाद अभ्यास करें। और अभ्यास के बीच में यदि, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि अभ्यास के बीच में पानी पी सकते हैं, तो अपने साथ में एक बोतल रखें। जब भी आपको प्यास लगे तो 1-2 घूंट करके अभ्यास के बीच में भी पानी पिया जा सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, कम मात्रा में 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। अभ्यास जब करें तो खुली जगह में अभ्यास करें, बंद कमरे में अभ्यास ना करें। खुली जगह यदि आपके पास ना हो तो जिस कमरे में अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पर खिड़की और दरवाज़ों को खोलकर अभ्यास करें। और बहुत सारे लोग एक और चीज़ करते हैं कि धूप बत्ती जला लेते हैं या अगरबत्ती जला लेते हैं या और कुछ जलाकर, जिससे कमरे के अंदर पूरी तरह से धुआं हो जाता है, तो वो भी गलत चीज़ है, ऐसा ना करें। अगली चीज़, जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं, बहुत अधिक श्रम लगाकर, बहुत अधिक ऊर्जा लगाकर अभ्यास ना करें। शरीर के साथ ज़्यादा खींचातानी ना करें, झटका देकर अभ्यास ना करें। वीडियो देखकर उत्साह में आकर एकदम से शरीर के साथ खींचातानी ना करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। जितना शरीर अनुमति दे उतना ही खिंचाव शरीर के अंदर उत्पन्न करें। अभ्यास करते समय यदि आपको थकावट हो रही है, घबराहट हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत ही आप शवासन में आ जाएं। अभ्यास जब करें तो उसको सीधा ज़मीन पे ना करें, मैट, दरी या गलीचा बिछाकर अभ्यास करें, सीधा ज़मीन के ऊपर अभ्यास ना करें। अभ्यास करते समय पूरी तरह से जागरूक होकर अभ्यास करें। सारा ध्यान उन मांसपेशियों के ऊपर होना चाहिए जिनके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप साइड से हाथ ऊपर लेकर जा रहे हैं और नीचे लेकर आ रहे हैं, भुजबली शक्ति विकासक क्रिया कर रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान होना चाहिए इन मांसपेशियों के ऊपर, ऊपर से लेकर ये नीचे तक, जिन मांसपेशियों पे आपको खिंचाव उत्पन्न हो रहा है या जिन अंगों के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपका ध्यान कहीं और होगा और कोई विचार चल रहे होंगे, तो जो अभ्यास आप कर रहे हैं आप अपनी सीमा का उल्लंघन भी कर सकते हैं या गलत अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे आपको हानि पहुँचने की संभावना बनी रहती है। तो जागरूकता के साथ अभ्यास करें। अगली बात, जब आपको वीडियो जो दिखाई जा रही है उसमें कोई अभ्यास बताए कि आपको आगे झुकना है, पीछे झुकना है या दाएं या बाएं झुकना है, तो उसको अपने शरीर की सीमा क्षमता के अनुसार ही करें, जितना आपका शरीर अनुमति दे। शरीर को खींचना नहीं है, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो देखकर प्रतियोगिता में ना पड़ें, चैलेंज में ना पड़ें, कंपटीशन में ना पड़ें। क्योंकि जो साधक वीडियो में आपको अभ्यास करके दिखा रहे हैं वह सभी अभ्यासों में पूरी तरह से कुशल और निपुण हैं। आप उनको देखकर उनके साथ कंपटीशन में ना पड़ें, प्रतियोगिता ना करें कि वो इतना कर पा रहे हैं तो हम भी उतना ही करना है हमें, या ज़बरदस्ती हम करें, अपनी ईगो को बीच में लेकर आकर अभ्यास को ना करें कि सामने वाला कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। ऐसा करने से आपके शरीर को हानि होगी और काफ़ी दिन तक शरीर में दर्द बना रहेगा। आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर भी लचीलापन आ जाएगा और आप भी अभ्यास पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो जो अभ्यास आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं उनके साथ आपको प्रतियोगिता नहीं करनी, जितना संभव हो, जितना शरीर अनुमति दे उतना ही झुकें, उतना ही शरीर के अंदर खिंचाव उत्पन्न करें। अगली चीज़, ये जो अभ्यास आपको वीडियो में करके दिखाए जा रहे हैं, यह एक सामान्य योग अभ्यास क्रम है जो अधिकांश लोगों के लिए अनुकूल है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए यह अभ्यास क्रम या इसमें जो अभ्यास कराए जा रहे हैं वह अनुकूल ना हो, वह उनके प्रतिकूल हो।
तो जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं, एक तो पहले आपको उन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि किसी अभ्यास की जानकारी आपको नहीं है, या आपको यह नहीं पता कि आप किसी रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और आपको यह नहीं पता कि इस समस्या में, इस रोग में यह अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस अभ्यास को आप छोड़ दें, गैर जानकारी के अभ्यास ना करें, क्योंकि वीडियो आपको स्वस्थ रखने के लिए बनाई जा रही है। हालांकि वीडियो में पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से हानि ना हो, सारे अभ्यास बहुत ही तसल्ली से, आराम से कराए जा रहे हैं और सहजता के साथ कराए जा रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ अभ्यास ऐसे हो सकते हैं जो किसी को हानि दे सकते हैं। तो यदि आपको लगता है इससे आपको हानि हो सकती है, या कुछ संदेह है कि यह अभ्यास मुझे करना है या नहीं करना, तो तुरंत रुक जाएं, ज़बरदस्ती अभ्यास ना करें जब तक आपको उस अभ्यास की जानकारी ना हो। अंतिम बात, जो जो वीडियोज़ में अभ्यास आपको करके दिखाए जा रहे हैं, जितने भी आसन, व्यायाम और प्राणायामों के अभ्यास अभी तक करके दिखा चुके हैं वीडियो में, जो वीडियोस डल रही हैं या आने वाली वीडियोस में जितने भी अभ्यास हैं, उन अभ्यासों की, जितने अभ्यास उसमें कराए जा रहे हैं, उन सब की अलग अलग वीडियोस बनाई गई है। जिस प्रकार से एक वीडियो में, एक अभ्यास क्रम में आपको 10 आसन, 5 व्यायाम कराए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश की लगभग अलग हमने वीडियोज़ बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली गई है। मंडूकासन की, वृक्षासन की, उष्ट्रासन की, जो जो ऐसे अभ्यास आपको कराए जा रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर अभ्यासों की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डाली गई हैं, और 4 से 5-6 मिनट तक की वो वीडियोस हैं। उन वीडियोस में हर अभ्यास की विस्तार से जानकारी दी है कि इस अभ्यास के लाभ क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो आपसे एक अनुरोध है, जब आपको समय मिले यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उन सब वीडियोस को एक बार देख लें। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, उससे आप अभ्यास भी ठीक से कर पाएंगे और आपको यह भी पता लग जाएगा कि यह अभ्यास आपको करना है या नहीं करना, क्योंकि उसमें बीमारियों के ऊपर भी बताया गया है कि किस समस्या में, किस रोग में इस अभ्यास को करना है और इनको किन लोगों को नहीं करना। तो जब आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको अभ्यास की पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। तो उन सभी वीडियोस के, ज़्यादातर वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। इन वीडियोस में जो आपको रोज़ अभ्यास कराए जा रहे हैं, अभी आधे घंटे की जो वीडियोस डल रही हैं, और जल्दी ही 45 मिनट की भी वीडियोस हम डालनी शुरू करेंगे, जिसमें प्राणायाम का अभ्यास भी आपको कराया जाएगा। तो प्राणायामों की भी अलग अलग वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यह जो आधे घंटे की या पौने घंटे का अभ्यास क्रम है, इसमें उन सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं है कि अगर आपको मंडूकासन करके बताया जा रहा है कि इस रोग में इस अभ्यास को करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको अभ्यास कराए जा रहे हैं, उनकी जानकारी नहीं दी जा रही, और यह एक सामान्य योग अभ्यास क्रम आपको कराया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि उन वीडियोज़ को एक बार देख लें, जब भी आपके पास समय हो, तो आपकी जानकारी में भी वृद्धि होगी और आप कुछ नया भी सीख पाएंगे, और आपको वो अभ्यास करना है या नहीं करना उसकी भी जानकारी पूरी तरह से आपको हो जाएगी। तो यह कुछ बातें थी जिनका ध्यान आपको रखना है अभ्यास को करते समय। इनका पालन यथासंभव करें, जितनी भी बातें बताई गई हैं जितना संभव हो उन सभी का पालन आप करें, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। और जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं जिस उद्देश्य से कि आप स्वस्थ रह सकें, आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार ईमेल और मैसेज करते थे कि आपके साथ में योग अभ्यास करना है, तो उन लोगों के लिए यह कक्षाएं बनाई गई हैं इस उद्देश्य से कि आप मेरे साथ अभ्यास कर पाएँ और स्वस्थ रह पाएँ, आप लोगों को हानि ना हो, उसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार।